अगर अपनी औकात बनानी है ना तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। 3 ऐसे बवाल नियम बताऊंगा कि उन्हें फॉलो करने के बाद तुम्हारी औकात का कोई अंदाजा लगा पाए, उतनी किसी की औकात नहीं होगी। अच्छा, अभी मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ जिसका जवाब आपको देना है, लेकिन पहले ये सुनो। पता है इस पूरी दुनिया में 2 तरह के लोग होंगे और ये हर कोने में मिलेंगे। एक वो होंगे जिनका मजाक बनाना आम होगा, जिनको गाली देना, जिन पर गुस्सा करना, जिन पर चिल्लाना बहुत आसान होगा, जिनको कोई इज्जत नहीं देगा। ऐसे लोगों को कोई 2 कौड़ी का भाव भी देता नहीं दिखेगा। ऐसे लोग बस नाम के लिए होते हैं, बाकी इनके होने या ना होने से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। इनकी संख्या 80% से भी ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे तरह का आदमी मिलेगा आपको, जिसका मजाक बनाना तो दूर, जमाना उसके सामने गलत बात करने से भी कांपेगा, जिस पर गुस्सा करना तो बहुत दूर की बात है, कोई आंखों में आंखें डालकर बात करने की भी हिम्मत नहीं करेगा। एक ऐसा इंसान जिसको अपनी बात मनवाने के लिए किसी के तलवे चाटने की जरूरत नहीं होती, वो कुछ शब्द बोलेगा और फुल एंड फाइनल हो जाएगा। लोग उसके पीठ पीछे भला जो बोल लें, लेकिन उसके सामने आने मात्र से वो खड़े होकर उसे इज्जत देंगे। मगर अफसोस, ऐसे लोगों की संख्या बहुत कमी है। अच्छा तो अब बताओ मुझे, क्या फर्क है इन दोनों तरह के लोगों के बीच में, जो एक को दुनिया पूछती तक नहीं तो दूसरे को पूछती है। एक को बेइज्जत करने से पहले एक बार भी नहीं सोचना पड़ता, जबकि दूसरे के सामने एक बात रखने से पहले भी 10 बार सोचकर बोलना पड़ता है, क्योंकि वो यही डर में होते हैं कि कहीं उनके बोले गए शब्द उन्हीं पर भारी ना पड़ जाएं। तो क्या आप मुझे बता सकते हो क्या फर्क है इन दोनों ही तरह के लोगों में? मैं बताता हूँ, औकात का फर्क है। जी हाँ, बस एक चीज का फर्क है और वो है औकात। अब ये औकात कैसे बनाई जाती है, उसके 3 नियम जानने से पहले आपको कुछ बवाल किसे सुनाता हूँ जो आपके अंदर आग लगा देंगे। एक लड़का जो कभी ढाबे पर खाना खाने जाता था और जब वो उठकर हाथ बेसिन में धोने जाता तो दूसरे कस्टमर्स उसको ओए छोटू चल टेबल साफ कर और प्लेट उठा ले, उसे ऐसा बोलते, क्योंकि वो उस वक्त एकदम हड्डी सा दिखने वाला काला कलूटा सा लड़का था जिसके जेब में 50 रुपए भी नहीं होते थे। आज वही लड़का 3.5 करोड़ की तो सिर्फ घड़ी पहनता है, और आज जब इंडियन टीम के लिए मैदान में उतरता है तो पूरा देश उसका नाम चीखता है। इनफैक्ट एक बार जब वो और उसके पिता एक फंक्शन में गए थे तो वहाँ सदी के सबसे बड़े महानायक अमिताभ बच्चन भी आए थे। उस लड़के के पिता अमिताभ बच्चन के बचपन से ही बहुत बड़े फैन थे। उस पार्टी के बीच खुद अमिताभ बच्चन ने उस लड़के के पिता को कहा, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके घर ऐसा बेटा हुआ है, मैं खुद इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। एक बाप के लिए इससे गर्व की बात क्या होगी कि जिस इंसान के वो खुद बचपन से इतने बड़े फैन रहे हैं वो खुद आकर उन्हें कहता है कि मैं आपके बेटे का फैन हूँ। दोस्तों, वो दुबला पतला सा और काला कलोटा सा लड़का और कोई नहीं, स्टार क्रिकेटर हार्दिक पांड्या है, जिसे कभी वेस्ट इंडियन और अफ्रीकन बोलकर चिढ़ाया जाता था। आज उसके औकात के सामने बड़े बड़े पानी भरते नजर आएंगे, तो क्या आज उसके सामने कोई उसके उन पुराने दिनों की तरह बेइज्जती कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब इसकी औकात का अंदाजा लगाना उनके बस की बात नहीं है। कभी अक्षय कुमार जब अपने मॉडलिंग डेज में हुआ करते थे, उस वक्त छुट्टियां ऐसे ही टाइम पास में यहाँ वहाँ घूमने जाया करते थे। उस दौरान वो राजेश खन्ना के बंगले की दीवार पर फोटो खिंचवा रहे थे, तभी उनका वॉचमैन दौड़ा और उन्हें वहाँ से बेइज्जत करके भगा दिया, क्योंकि उस वक्त अक्षय कुमार की कोई औकात नहीं थी। लेकिन आज वो उसी बंगले के मालिक है, और जिसका वो बंगला था उन्हीं की बेटी से उन्होंने शादी की है। फर्क औकात का ही है दोस्तों। जैसे आज से कुछ 10-12 साल पहले विराट कोहली से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपका सबसे खूबसूरत दिन कौन सा था, तब उन्होंने कहा वही जब कैटरीना कैफ ने उनसे 4 मिनट बात की थी। आज का दिन और पिछले 10 साल का इतिहास उठाकर देख लो, उस समय विराट की कम औकात थी और आज उन्होंने इतनी बड़ी औकात बना ली है कि आज उन्हें कैटरीना कैफ फॉलो करती है मगर वो उनको फॉलो बैक नहीं करते। बात एटीट्यूड की नहीं है, अपना प्रेफरेंस है, मगर बात होती है औकात की। उस समय विराट खुद को लकी मान रहे थे कि उन्हें कैटरीना कैफ से बात करने का मौका मिला। आज के डेट में कैटरीना खुद को लकी समझती होगी कि कभी उन्हें विराट से बात करने का मौका मिला था, और ये बात खुद कमेंट्स में ऑडियंस ने ही लिखी है जब विराट का वो पुराना इंटरव्यू निकला था, और इन कमेंट्स को मैंने खुद पढ़ा है। तो आओ दोस्तों, अब जानते हैं कि कैसे अपनी औकात बनाते हैं। अभी मैं आपको अपनी औकात बनाने के 3 बवाल नियम बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। रूल नंबर 1, महान काम करो। औकात बनती कब है जानते हो? औकात तब बनती है जब आदमी कोई महान काम करता है। ऐसे बेरोजगारों और निकम्मों की तरह दिन के 12-12 बजे तक बिस्तर पर पड़े रहने से औकात नहीं बनती मेरे दोस्त। बोल बच्चन करने से या बड़ी डेंगी हाँकने से औकात नहीं बनती। जॉनी लीवर को सदी का सबसे बड़ा कॉमेडियन माना गया है, लेकिन शुरुआती दिनों में उस शख्स ने सड़कों पर 50 पैसे के लिए पेन तक बेचा है। फुटपाथ पर पेन बेचने से लेकर हर घर तक अपनी पहचान बनाने और महलों में राज करने तक का सफर इतना आसान नहीं था। औकात कभी एक नौकर की थी, तो आज वही औकात बादशाह वाली है। कभी रूम का रेंट न भर पाने की वजह से घर से निकाला गया शख्स जिसने कई रातें बाहर प्लेटफॉर्म पर सोकर गुजारी, वो बंदा अपने बेहतरीन काम और टैलेंट के दम पर पूरे देश में मशहूर होता है और बॉलीवुड की फिल्मों में क्या जबरदस्त काम करता दिखाई देता है। दोस्तों, उस शख्स को हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी के रूप में जानते हैं। आसान नहीं होता फर्श से अर्श तक की औकात बनाना, लेकिन याद रखो, महान काम करोगे तभी बड़ी औकात बनेगी। रूल नंबर 2, चैलेंजेस से मत घबराओ। एक बात तो मैंने भी देखी है और बहुत गहराई से ये लक्षण उन सभी कामयाब लोगों में देखा है
कि हर चैलेंज को हराकर वो लोग आगे होते हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई चैलेंज आता है तो उसे एक बोझ की तरह नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना शुरू करो। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, आज हमारे दिल में इन नामों के लिए कितनी इज्जत है ये शायद हम बयान भी नहीं कर सकते। लेकिन इनकी जिंदगी जितनी चैलेंजिंग रही है ना, उतने में तो कोई फरिश्ता भी घुटने टेक देगा। आजादी से 20 साल पहले जब इसकी कोई उम्मीद नहीं थी, उस वक्त भगत सिंह और उनकी पूरी टीम को पता था कि अगर हम अंग्रेजों के खिलाफ गए तो मरना तय है, लेकिन बावजूद इसके देश को आजाद कराना भी जरूरी है। बस इसी ख्याल को दिल में आग की तरह जलाए हुए वो आगे बढ़े और इस बीच उनके रास्ते में कई चुनौतियां आईं। उनके कई साथी मार दिए गए, उन सबको काल कोठरी में डाल दिया गया। वहां उन्हें कचरे जैसा खाना खाने को दिया गया। तब हफ्तों तक भगत सिंह ने भूख हड़ताल की और आखिर में अपने देश के लिए खुद की जान की कुर्बानी दी। इसी वजह से आजकल के बॉलीवुड हीरो को शायद 10-20 साल बाद कोई नहीं जानेगा, मगर ऐसी महान हस्तियों को सदियों तक याद किया जाएगा। मैं चाहता तो आज के मॉडर्न एग्जांपल भी ले सकता था, लेकिन चैलेंज को फोड़ने के मामले में इनसे बेहतर एग्जांपल दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। जहां एक शख्स मौत से भी बढ़ जाता है अपनी जिद और अपने मकसद के लिए, इसी तरह जो भी ख्वाहिशें तुमने अपनी जिंदगी से करी हैं, अब उसके वास्ते डरना नहीं है। रास्ते में आई चाहे लाखों चुनौती, पीछे हटना नहीं है। रूल नंबर 3, विनिंग माइंडसेट पैदा करो। यार देखो, चाहे खेल कितना भी शानदार खेल लो, अगर जीतोगे नहीं तो बहुत जल्द भुला दिए जाओगे। औकात उनकी बनती है जो जीतना जानते हैं। हर एक चीज में जीता जाता है। तुम्हारा फील्ड अलग हो सकता है, हालात अलग हो सकते हैं, लोग, जगह, गली, मोहल्ला, शहर, नाम, पहचान, ये सब अलग हो सकता है, मगर मानसिकता एक ही होनी चाहिए और वो है जीतने की मानसिकता। अगर किसी काम को कर रहे हो तो उसे हल्के में बिल्कुल मत करना। जिंदगी के हर मोड़ पर सिर्फ और सिर्फ जीतने के बारे में सोचना। इंसान को जीतना आना चाहिए। एक या दो बार की हार अलग बात है, मगर 10 बार हार के 1 बार जीतना ये गलत बात है। औकात बनती उसी की है जो जीतता है। पहले के योद्धा दूसरे पक्ष से लड़ते थे तो सिर्फ एक मकसद से कि उनका राजा जीतना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी पता है इस लड़ाई में जो हारा वो हमेशा के लिए दूसरे पक्ष के कब्जे में चला जाएगा या उसका गुलाम बन जाएगा। याद रखना, इतिहास सिर्फ विजेताओं का होता है। जो हारते हैं उन्हें कोई नहीं याद करना चाहता, ना कोई उनसे सीखना चाहता है। किसी भी इतिहास की दमदार कहानी उठाकर पढ़ लो, किसी ने अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा जीता है तभी उसे लिखा गया है, उसको सम्मानित किया गया है और अभी भी हमेशा के लिए याद किया जाएगा। आज के समय से भी ये बात सीख लो, इन 3 नियमों पर चलकर ही तुम्हारी औकात बन सकती है। पहले कोई महान काम करो, ये किसी भी चीज में हो सकता है। बड़ा करो और सबसे बेहतर बनो। तुम्हारे दरमियान तुमसे बेहतर कोई होना नहीं चाहिए। किसी भी चुनौती से मत डरो। अगर उड़ोगे तो शायद गिरोगे भी, लेकिन इसी में एक इंसान की असली औकात पता चलती है। हर खेल को, हर जंग को, हर फैसले को जीतना शुरू करो। हार मत गिनो और जीतो इतना कि उसकी गिनती याद ही ना रहे। अगर इन नियमों को मानकर अपनी जिंदगी में उतार लिया, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ, अगले 1 साल, 3 साल, 5 साल या 10 साल में तुम्हारी ऐसी औकात होगी ना कि आज साला जो तुम्हारा मजाक बनाता है कल तुम्हारे तलवे चाटने को भी मजबूर हो जाएगा। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।